हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने जो है एक सर्किट बनाया था। मैं एक बार इसे ओपन कर लेता हूँ। ईगल तो शॉर्टकट वैसे यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। और ठीक है, ओपन करते हैं। तो पावर सप्लाई का सर्किट बनाया था, आज उसका हम लेआउट बनाते हैं। और देखिए, मैं यहाँ से इस आइकॉन से इसे ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मान लीजिए कोई ओल्ड सर्किट आपको जो है ओपन करने तो कैसे कर सकते हैं, जनरली कहाँ पर हम उसको सेव करते हैं। तो मैं एक तब तक ये जब तक ओपन होता है इसकी लोकेशन भी चेक कर लेता हूँ। जनरली डॉक्यूमेंट में हमें देखना चाहिए, और यहाँ पे देखिए ये ईगल नाम का एक फोल्डर है, राइट। और यहाँ पर ये जो फाइल से पॉसिबली शायद ओल्ड वाली है, हाँ यही है। ठीक है, देखिए यही बनाया था पावर सप्लाई का सर्किट। इसमें डायरेक्टली वो इसकी, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको कोई ओल्ड सर्किट ओपन करना है तो आप कैसे कर सकते हो, एक बार यहाँ पे चेक करते हैं कि प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे मिल जाएगा क्या आपको। तो वैसे देखिए ये दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो आप इसको ऐसे भी ओपन कर सकते हो यहाँ से। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि आप बाय डिफॉल्ट लोकेशन में यदि सेव करते हो तो वो वहां आपको मिल जाएगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर अभी स्कीमेटिक फाइल ही ओपन हुई है यहाँ पे, और बोर्ड फाइल ओपन नहीं हुई। तो बोर्ड फाइल पे क्लिक कर देते हैं और ये बोर्ड फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। अच्छा, तो ये सिर्फ अभी जस्ट प्रीव्यू दिखा रहा था हमें। ओके फाइन, राइट। तो ये बोर्ड फाइल है और ये स्कीमेटिक फाइल है, तो अब ओपन हो चुकी है यहाँ पर। तो हम देखिए क्या करते हैं यहाँ पर। देखिए अभी ये इसका जो डिफॉल्ट ऐसा है ना, ग्रिड ये ऑन है शायद यहाँ से, तो इसकी ग्रिड ऑफ करते हैं तो ये थोड़ा सा हमें सही दिखेगा। और पूरे जो कंपोनेंट्स होते हैं ना वो बाहर रखे रहेंगे, तो हमें वन बाय वन सबको अंदर रखना है। अब देखिए हम कैसे जो है वो सबको हमको अंदर लाना चाहिए। तो इस सर्किट को अगर आप देखेंगे तो मैं अल्ट और टैब प्रेस करके जो है विंडो चेंज करूंगा, है ना। और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे रखेंगे। तो कंपोनेंट को रखने का एक छोटा सा तरीका क्या होना चाहिए कि आप यहाँ पे जाइए और ये जो शो वाला बटन है, इस टूल है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ क्लिक कर दीजिए। अभी देखिए ये थोड़ा सा हाईलाइट दिख रहा है आपको, दूसरे की कंपैरिजन में ज़्यादा लाइट दिख रहा है, मतलब उजाला थोड़ा सा ज़्यादा है उसमें। और ये देखिए यहाँ पर भी ये हाईलाइटेड है ना। तो अब मूव पर क्लिक कीजिए और इसको जो है यहाँ से उठा के अंदर रख दीजिए। तो मैं यहाँ रख देता हूँ, वापस चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और अब लेट से हम D1 पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये D1 हाईलाइटेड है यहाँ पर। तो अभी ये मूव वाला ऑप्शन पहले से ही सिलेक्टेड है, तो आप इसको क्या करें, डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, लाइक अगेन, अब ये भी ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है, तो अब हम लेट से ये वाला ले लेते हैं D3, राइट। अल्ट टैप करते हैं तो देखिए D3 यहाँ पे हाईलाइटेड हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, ये भी पहले से ही सिलेक्टेड है तो कुछ क्लिक नहीं करना है आपको, डायरेक्टली जो है बस उठा उठा के जो है इसको रखना होगा। कभी वो सिलेक्ट नहीं हो पाता, अभी मैं डायरेक्टली बस इसे रखता जा रहा हूँ। अभी ये सर्किट बहुत छोटा है तो आपको यहाँ पर इतना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा जो है हमें लेना है। ये देखिए छोटा सर्किट होता है तो क्या होता है कि हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हमें बार बार हम हाईलाइट करें और जो है फिर उसको वहां से ले। लेकिन जब बड़े सर्किट होता है ना, तब ये मेथड हमारे लिए यूजफुल होगी। और आप चाहे तो जैसे जैसे रखते जाए वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखिए ये मैं यहाँ पे भी क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो है वो इधर वायर जा रहा है, तो इसको मैं इधर से मूव पर क्लिक करके थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। ये वाला वायर इधर जा रहा है, ओके, तो इसको यहाँ कर लेते हैं। तो कैसे भी हम कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं या फिर इसको ऐसा भी रहने दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग में हम इसको सिर्फ जस्ट ऐसे जो है वो प्लेस कर लेंगे। तो बाद में देखिए ये कैपेसिटर है यहाँ पर 1000 माइक्रोफेराड का। अगर अगेन आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो वो वहाँ हाईलाइट हो जाएगा। ऑलरेडी मूव पर क्लिक है, आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं इसको ऐसे बड़ा करके और तब इसको प्लेस कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसको यहाँ बीच में रख लेता हूँ। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर, अगर मान लीजिए मैंने ये अभी IC जो है, अगर इसको मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ एक बार, मैं ये बस का सिंबल होता है वहां पर आपको क्लिक करना होता है।
तो ये आप थोड़ा सा येलो पार्ट देखिए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तभी वो मूव होगा। अगर मैं इसको भी यहाँ रखूंगा तो ये अलाव नहीं करेगा, देखिए मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ बट ये इसको अलाव ही नहीं कर रहा कि आप इसको बाहर रख पाओगे। उससे ऐसा लगता है कि आपने एक बार कंपोनेंट उठाने के बाद में जो है वो इसका इस प्लॉट का एरिया आपने बढ़ा लिया है, वहां पे आप रखना चाहते हो तो वो उसको अलाव नहीं करता। अगर आप इसको वापस वहीं रख दोगे जहां पर ये था, मतलब स्किप कर देंगे तो रह जाएगा, लेकिन एक बार अगर आपने इसको उठा लिया और फिर आप इसको नहीं रख पाएंगे, राइट। तो इसलिए इसलिए ये जो है वो मतलब ऐसा होता है अगर आपने नोटिस किया हो तो। और एक और कारण ये भी होता है कि ये एक लिमिटेड एडिशन है, मतलब ट्रायल वर्जन है, तो ट्रायल वर्जन में जनरली जो है वो ट्रायल वर्जन में जनरली ऐसे ही होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं और ये सब चीजें जो है वो, और बस उसके बाद में हमें क्या करना होगा, कनेक्शंस करने होंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये अवेलेबल है रूट्स एयर वायर, इस पर क्लिक करते हैं। स्टार्टिंग में जो है वो हम अभी देखते हैं ये वायर, ठीक है। तो देखिए जनरली हम जब बॉटम पर बनाते हैं, और ये बॉटम बॉटम पर बनाते हैं का मतलब मैं इसको यहाँ से बॉटम करता हूँ। तो जनरली हम जब थ्रू होल वाले कंपोनेंट्स बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो पूरा ट्रैक होता है वो नीचे आता है और कंपोनेंट्स हम ऊपर से लगाते हैं, तो इसलिए हमें जो है बॉटम लेयर सेलेक्ट करना चाहिए यहाँ पर, और उसका कलर हमेशा ब्लू रहेगा यहाँ पे। और यहाँ से आप इसके डायमीटर को जो है वो सॉरी ये ऑटो है तो इसको बढ़ा सकते हो आप, थोड़ा और बढ़ा के देख लीजिए। एनीथिंग, चलिए ठीक है, अभी हम इसको इतना ही रखते हैं यहाँ पर, है ना, इतना भी इनफ रहेगा। वैसे हम इसकी ग्रिड साइज अगर छोटी करते तो थोड़ा सा सही रहता। अब यहाँ चलते हैं और इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो इसके अगर आप इसको ऐसे यहाँ पर ये जो है इसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं इसके, जिसमें आप इसके एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। ये क्लिक किया यहाँ पर और ये देन इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए ये एक वायर यहाँ पे ऐसे बचा हुआ है, तो आप इसको दो तरह से कर सकते हो, या तो बाहर से लेके जा सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, राइट। ये इसको यहाँ से कर देते हैं कनेक्ट। तो ये हमारा एक नए वर्जन के साथ में छोटी सी प्रैक्टिस थी कि कैसे जो है हम सारे कनेक्शंस कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि और इसमें क्या क्या ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हमारी एलईडी हो गई, ये हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस और ये हो चुका है, और इस वाले वायर को हम जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा जो है वो बेसिक सा लेआउट बना है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो लेयर वाला ऑप्शन है यहाँ पर, एक मैं इसको यहाँ पर ऐसा करता हूँ, हाँ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आप क्या करें, सिर्फ ब्लू और ग्रीन कलर ही रखिए, बाकी सब आप हटा सकते हैं। तो आप उसको वन बाय वन ऐसे करना होगा। तो ये रेड हटा दिया हमने, अनरूटेड हटा दिया, डायमेंशन आप रहने दे, मतलब जो ये बाहर का जो बाहर की जो साइजेस है उसको आप रहने दे, और बाकी सबको आप हटा सकते हैं। मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, आपको ऐसे दिखता चला जाएगा, देखिए डायरेक्टली वहां पे, ठीक है। और इसे आप ओके कर सकते हैं। अच्छा नीचे एक दो ऑप्शन शायद रह गए होंगे, वो यहाँ पर है, तो उन सब चीजों को हम जो है वो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है दो तीन ऑप्शंस है, इनको भी हटा देंगे आप, तो ये सब हट जाएंगे यहाँ से, और आप इसको नीचे करके देख सकते हैं कि कुछ बचा तो नहीं है। तो ठीक है इन सबको आप हटा दीजिए यहाँ से, तो ये फाइनल आपका आउटपुट होता है जो ट्रैक्स आपको निकालने होते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक और चीज कर सकते हैं जो कि अभी हम क्या करते हैं इसको, अगर मान लीजिए आपको ये ऑप्शंस को फिर से लाना होगा तो आप क्या करेंगे।
देखिए आपको क्या करना है, मतलब आप बस 28 तक के ऑप्शंस को ऑन करके रखें, बाकी सबको आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा आपका काम, राइट। तो मैं अभी ये अनरूट को भी ऑन कर देता हूँ और ओके करता हूँ, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सबको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो पूरा सिलेक्ट किया, मूव वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया और माउस का राइट क्लिक करके इसको नीचे ला रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ ला के रख देता हूँ। उसके बाद में इसको मैं ऐसे नीचे कर लेता हूँ यहाँ से, ये यहाँ पे नीचे किया और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, राइट, यहाँ पे ऐसा छोटा कर लिया। तो अभी देखिए जो ओरिजिनल साइज थी वो कुछ इतनी थी, तो इसको ट्राई करते हैं हम थोड़ा सा नीचे करने का, अगर ये हो जाए तो ना। पर ये यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो लेट से ट्राई करते हैं हम इसको डिलीट करने का, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा क्या शायद ये। हाँ हो रहा, कंट्रोल सेट, इसका पॉइंट देखना होगा हमको। ठीक है, देखिए अभी हमने जब इसको डिलीट किया था तो ये बहुत आसानी से हो चुका था। तो यहाँ पर तो ये 6.9 आ चुका था, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं एक बार जरा हम यहाँ से। तो नए वर्जन में ये सारी चीजें रहती है जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो लेट से अगर मैं मान लीजिए अभी ये जो रिसेंट है इसके डाइमेंशंस अगर लेना चाहूँ तो यहाँ पे आप जा सकते हैं डाइमेंशंस और आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। हाँ उसके पहले आप यहाँ पर जो है वो नेम पर क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए नेम, और यहाँ पर ऐसे क्लिक कीजिए ऑलमोस्ट ये कॉर्नर ही है अभी। चलिए ठीक है, इसको मान लेते हैं कॉर्नर है, और यहाँ पर जो है आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए कितनी डिस्टेंस है, 62.23। इसका एक बार प्रिंट निकाल कर देखने की कोशिश करेंगे हम। अभी देखिए मैं यहाँ से इसको निकाल दूँ और यहाँ तक चल दूँ और इसको ऐसा कर देता हूँ, तो लगभग लगभग ये हो जाएगा मतलब 6.2 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 2.4 या 2.5 सेंटीमीटर, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं लेयर में और बस हम रखते हैं सिर्फ ब्लू कलर, ग्रीन कलर, डायमेंशन और सब कुछ हटा देते हैं। तो ये ब्लू ग्रीन अनरूट को भी हटा देते हैं, डायमेंशन को रख लेते हैं, बाकी सबको हटाते चल जाते हैं यहाँ से, राइट। यहाँ से ऐसे हटा देते हैं, उसको ओके करते हैं। उसके बाद में हम चाहे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पूरा दिख जाएगा। अब एक बार हम क्या करते हैं, फाइल पे चलते हैं और एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं और इमेज पे चलते हैं, वहां पे जाके मोनोक्रोम इसको कर देते हैं हम 400। लास्ट टाइम पर भी शायद हमने इसे एक प्रिंट लिया था और अभी देखिए यहीं पर जाके ही हम बना लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में मैं लिख देता हूँ लेट से लेआउट, गलत लिखा गया शायद कुछ, चलते हैं फिर से और यहाँ लिख देते हैं ले आउट, ओके फाइन और ओके करते हैं। अब यहाँ चलते हैं और देखिए, देखो ये फाइल आ चुका है यहाँ पर। तो देखो ओल्ड डायमेंशन उसने वापस से दे दिए जो कि उनको नहीं देना चाहिए था। अच्छा नेम वाला हमने हटा दिया था यहाँ से, नेम वाला जो सेक्शन था ना ये हमने हटा दिया था। चलते हैं यहाँ पर और देखिए नेम वाला सेक्शन ये 25 वाला था यहाँ पे, है ना, ये आया और इसको करते हैं। अब ये जो ना डायमेंशन येलो वाला है, राइट, तो अगर इसको अगर हटाते हम तो ये ऐसा हो जाएगा। एंड चलो ट्राई करते हैं, फिर से फाइल पे चलते हैं, एक्सपोर्ट पे चलते हैं, इमेज पे चलते हैं और यहाँ जाके मूव फ्रॉम ब्राउज पे क्लिक करते हैं, ये लेआउट और लेआउट टू कर देते हैं हम यहाँ पर और सेव करके ओके कर देते हैं, चल के देखते हैं क्या होता है लेआउट टू। चलो बिंगो हो चुका है। तो देखो इसमें एक प्रॉब्लम ये आई है कि इसकी डायमेंशन जो है वो हट चुकी है जो तो भी थी, राइट, और ये नेम जो है वो सारी चीजें यहाँ पर आ गए हैं। तो देखो नए वर्जन में इस तरह के जो है वो कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, इवन जो ये वाले नाम थे ना ये भी यहाँ पर रह गए। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको नए वाले में वर्जन में आएगी ही आएगी, जबकि ओल्ड वाले में जो है वो काफी आसान
हालांकि ये सब चीजें हम शॉर्ट आउट करते चले जाएंगे, लेकिन ये एक छोटा सा वीडियो था। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट मिलता रहता है और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहूंगा। रोज डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे जिससे आप थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।